हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मिस व्लॉग 7। तो आज मैं जिलोनी बाज़ार जा रही हूँ, आज उसी पे ही व्लॉग होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर यूट्यूब चैनल। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है और मार्केट जाना भी ज़रूरी था और मौसम भी बारिश वाला है। तो ये इस मार्केट का मेन गेट है, आप देख ही सकते हो। अंदर आने पे हमें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शो करना पड़ा था, हर गेट पे ये चेकिंग होती है। और काफ़ी चेंज कर दिया है ना इन्होंने बाज़ार, एकदम ही मस्त बना दिया। पहले तो वैसे था ही नहीं, पहले अलग था। मिलती है वो बड़ी वाली है। तो हम अभी दरिगा के शॉप पे जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है गाइस, जिलोनी बाजार। जिलोनी रशियन में, मतलब जिलोनी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीन होता है। नो बट आई कैन रिमेम्बर समथिंग, कुछ तो डायरेक्शन थी इधर से कहीं जाने की। नीचे है, हाँ उधर उधर कॉर्नर में है शायद उसकी शॉप। यहाँ से हम सब्जी वगैरह लेते थे। तो ये पूरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मार्केट है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ के कुछ लोग इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत जानते, इतना जानते हैं कि अगर आप समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। तो हम बट अभी दरिगा के शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ से हमें सामान लेना है, लाइक मसाले, ग्रेन्स, राइस, ये सब लेना है और आटा भी लेना है। तो उसकी पूरी अलमाटी में बस एक ही शॉप है, उसके वहाँ सारा सामान मिल जाता है। तो इधर से उसकी डायरेक्शन है। तो इस जगह पे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के सामान मिल जाते हैं, लाइक पनीर, घी और बटर सब मिल जाता है इधर जो शॉप से दो तीन, और अंडे वगैरह भी मिल जाते हैं इधर ही पे। तो इसके ऊपर की जो बिल्डिंग है वहाँ पूरी क्लोथ्स की मार्केट है, सारे विंटर क्लोथ्स वहाँ मिल जाएंगे आपको। और ये रही दरगाह की शॉप, बट ये बंद थी, आधी खुली थी आधी बंद थी, इसका मतलब वो नमाज़ पढ़ने गई हैं। तो फिर हम वेट कर रहे थे बाहर। तो अभी वो आंटी, मतलब लेडी, अभी वो है नहीं है, तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा। इनकी शॉप आधी खुली आधी बस। सो यू कैन सी गाइस, इंडियन ब्रांड्स, ईस्टर्न एंड ऑल। तो मैं अभी शॉप में जा रही हूँ, क्या लेने, जैकेट वगैरह, सिक्योरिटी। सी दिस गाइस, मस्त है ना। मैं एक फेवरेट शॉप पे जा रही हूँ जहाँ पे ना जैकेट्स वगैरह मिल जाती है। तो मैं भाई आई हूँ देखने, अभी वो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना देख लूँ एक बार, अगर बारिश हो गई तो नहीं जा पाऊँगी। वैसे हो रही है, मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ये मार्केट मुझे सबसे बेस्ट लगती है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। पास में भी है वो मार्केट, गई कहाँ, गई कहाँ। यस, ये रहा वो रास्ता, लेट मी शो यू। मुझे पता है मैं बहुत बोर करती हूँ अपने व्लॉग में, मैं जानती हूँ, बट आई विल इम्प्रूव इट शॉर्टली। इन्होंने अपनी शॉप मॉडिफाई कर ली, देन दे इंक्रीज देयर रेट्स। तो मैं वापस जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सही लगा, और जो कुछ सही भी लग रहा था उसका रेट बहुत ही ज़्यादा था। लेट्स गो बैक टू दरिगा शॉप। मौसम देख रहे हैं आप कैसा है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे। सीरियस कबूतर, कितना मस्त लग रहा है। ये रही बस,
वो आगे बस स्टॉप है। तो अभी मैं आपको दरगाह के शॉप में शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद मैं लूँगी। अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ वरना मेरे फ्रेंड्स बहुत डांटेंगे मुझको। बाय बाय। मुझे तो स्कूल कटेंगे 650। और क्या लेना है? ऑयल बॉटल यू हैव? So she is the lady. She knows Hindi, Russian, English. I think many languages. Afghan also. I don't know Arabic or Urdu. This is the shop. You can see all the Indian brands are here. Chalega main to. और पास्ता का पैकेट? पास्ता मैक्रोनी? अरे वो पूछी छोटी की बड़ी? बिल्कुल। फाइनली अभी हम अपना सारा सामान ले चुके हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टू टेक सम टू बाय सम वेजिटेबल्स एंड ऑल। ले लिया? ये दरगाह के सामने वाली शॉप थी तो जो हमें नहीं मिला वहाँ तो हमें इनके शॉप में ले रहे थे। जल्दी वी आर गोइंग टू बाई सम यूटेंसिल्स। अरे यार ये क्या नाटक है, मेरे तो जग के वो भी नहीं है क्या? अभी कौन सी लेने? आई थिंक इधर वाली है। जल्दी जल्दी चलती। हाँ वही बता रही है वो 4500 का। बोझना ये तो स्कूल कटेंगे 6000 का। स्कूल का मतलब कौन सा? तो ये तो बहुत छोटा है। अब आगे एक दो शॉप और देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ये तो फैंटास्टिक। मुझे तो स्कूल कटिंग 12000। तो हम अभी आगे के शॉप पे जा रहे हैं। तो इन अंकल से हम पिछले साल भी लेके गए थे यूटेंसिल्स। मुझे तो स्कूल कटेंगे 3500 это 4 4 это большой нет большой есть вот это बहुत बड़ा यार ये इतना बड़ा это очень большой мощно нет мы скули на мой это не это можно это очень большой я надо это вот вот это вот это это все это все это сколько 3500 मेरे को ये सही लग रहा है मैं क्या ही करूं ये वाला ठीक ही है नहीं मुझे थोड़ा ऐसा लुक करो तो अभी हम पार्किंग एरिया में हैं और हम वापस जा रहे हैं। हम सबके पास इतना सामान हो गया था कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो ये एक मेरी फ्रेंड के रिलेटिव्स थे तो इन्होंने हमें बोला कि हम आप लोगों को हॉस्टल तक छोड़ देंगे। तो हम इनके कार में बैठ के जा रहे थे वापस। Like, share, subscribe to this channel. See you next time. Bye bye.